स्वागत है आप सभी का इंफ्रा न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज निकल गई इंडियन रेलवे से, जहां अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पीएम मोदी नेक्स्ट वीक फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं 500 स्टेशन के रीडेवलपमेंट का। अगली न्यूज निकल न्यू दिल्ली से, जहां न्यू दिल्ली स्टेशन को अपग्रेड प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने 11 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन का प्लान किया है, ताकि स्टेशन के अराउंड कंजेशन को कम किया जा सके। अगली न्यूज है चेन्नई मेट्रो से, जहां चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने टेंडर फ्लोट किया साउथ इंडिया के फर्स्ट इंटर स्टेट मेट्रो की फिजिबिलिटी स्टडी कर। ये मेट्रो लाइन 20.5 किलोमीटर का होने वाला, जिसमें 11 किलोमीटर होगा कर्नाटका में और 8 किलोमीटर होने वाला है चेन्नई में। अगली न्यूज के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस से, जहां एनसीआरटीसी ने पैसेंजर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए रैपिडेक्स स्टेशन पर एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने का फैसला किया है। अगली न्यूज है चेन्नई पोर्ट मदुरवेल कॉरिडोर से, जहां जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिला है सारे पैकेज को कंस्ट्रक्ट करने का, जिसमें 21 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जिसको 2.5 ईयर में कंस्ट्रक्ट करना है। अगली न्यूज निकल गया ट्रेसा मोटर से, जो मीडियम और हैवी इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चर करती है। ट्रेसा के सीईओ ने अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी बहुत जल्द 500 से लेकर 1000 का इन्वेस्टमेंट करने वाली मैन्युफैक्चरिंग और आरडी फैसिलिटी को स्टेब्लिश करने के लिए। करेंटली कर्नाटका और तमिलनाडु में इसका टॉप कंटेंडर है। अगली न्यूज निकली कोलकाता से, जहां एलएनटी कंस्ट्रक्शन ने ऑर्डर जीता रेल विकास निगम से, जो का इस पांडे मेट्रो कॉरिडोर के अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कर।